हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों वेलकम टू जोया मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। दोस्तों आज हम 3.4 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करेंगे सर्कल के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिए, आज सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि इसके अंदर चार बिट है तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ज़रा हम दो तीन क्वेश्चन अच्छे से इसको लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फिगर 3.57 PQR is a cyclic, segment PQ is congruent to segment RQ, okay, segment PQ RQ से congruent है और PSR की value अपने पास already है 110 degree, find measure of angle PQR, measure of R PQR, measure of RQR और measure of angle PRQ, ये चारों बिट अपने को solve करना है। तो चलिए पहले given में क्या क्या है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, तो हम लोग सबसे पहले given में लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो गिवन में इस तरह से हम लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। अब फर्स्ट बिट पे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट बिट क्या पूछा गया अपने क्वेश्चन में? मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो अपने को मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर ये फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल ही है, आप देख रहे हैं ये पी क्यू आर है और ये इस तरफ से पी एस आर है, तो अगर मैं थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लूँगा तो एंगल एस एंगल क्यू के साथ में ये अपोजिट है। तो थियरम क्या बोल रहा है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ओके, आप एंगल पी एस आर भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया? क्योंकि थ्योरम बोल रहा है अपना सप्लीमेंट्री है वो, तो 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर रीजन भी लिखेंगे, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो इस तरह से ये रीजन भी लिख देना अपने को। ओके, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर ऑलरेडी अपने पास गिवन में 110 डिग्री, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन में 110 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर को ले लो आप, इक्वल टू 180 डिग्री लिख लो, और ये प्लस 110 को शिफ्ट करेंगे इक्वल टूगेदर तो ये माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। तो देखो ये पहला आंसर आ गया, कितना सिंपल था दोस्तों ये। ओके, चलिए सेकेंड बिट पर जाते हैं हम लोग। सेकेंड बिट क्या बोल रहा है? मेजर ऑफ आर पी क्यू आर। ओके, मेजर ऑफ आर पी क्यू आर, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर मेजर ऑफ आर पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर के इसके पहले अपना कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल पी एस आर बन रहा है। ओके, तो ये हम किस थ्योरम से लेंगे? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से लेंगे। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है? इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, तो हम इस तरह से इसको शुरू करेंगे, एंगल पी एस आर पहले लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे हम लोग छोटा सा, एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो ये रीजन भी हो जाएगा हमारा। ओके, तो चलिए एंगल पी एस आर इज 110 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर पी क्यू आर, ये फाइंड करना है अपने को। ओके, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 110 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 110 इस तरह से चलो सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू मेजर ऑफ पी क्यू आर, तो आप लिख दो मेजर ऑफ आर पी क्यू आर, ठीक है। 110 इंटू 2 कितना हो रहा है? 220, तो ये 220 डिग्री हो जाएगा, मेजर ऑफ आर पी क्यू आर वैसे ही रहेगा, तो ये अपना सेकेंड बिट भी आ गया। ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर पी क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। ओके, तो चलिए हम थर्ड बिट पे जाते हैं। अब थर्ड बिट में मेजर ऑफ आर्क क्यू आर फाइंड करना है अपने को, सो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये,
मेजर ऑफ आर क्यू आर, देखो दोस्तों यहाँ पर ये मेजर ऑफ आर क्यू आर ये फाइंड करना है, तो उसके पहले अपने को एंगल क्यू पी आर एक फाइंड करना है, ओके। जब तक ये एंगल क्यू पी आर नहीं आएगा तो ये मेजर ऑफ आर क्यू आर भी अपने पास नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको अपने को हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर इंस्क्राइब एंगल थियरम से हम जब इसको लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर को एज्यूम कर लूँगा तो यहाँ पर जो साइड पी क्यू है और ये साइड आर क्यू है, आप देख रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी और ये एंगल क्यू यहाँ पर, सॉरी एंगल पी और ये एंगल आर यहाँ पर इक्वल है, ओके। अगर थ्री डिजिट थ्री लेटर हम लोग एंगल लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्यू पी आर और पी आर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ओके। ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, कैसे, बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम से, ओके। और फिर बाद में हम तीन एंगल लेंगे, तीन एंगल में से क्यू आर क्यू पी आर अपना मिल जाएगा और उसके बाद में हम ये क्यू आर को भी फाइंड कर लेंगे, ओके। तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं ऐसे लिखूंगा इसको इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, इस तरह से मैं लिख दूंगा इधर, ओके, साइड आर क्यू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको गिवन में सिस्टमैटिक एकदम, ओके। तो आप फिर देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर क्यू पी आर, एक एंगल लेंगे और एक एंगल लेंगे पी आर क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम से जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल क्यू पी आर, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू ले लेंगे आप, पी आर क्यू, ओके, और आप इसको दे सकते हैं नंबर वन, और रीज़न में लिखना है तो लिख सकते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम। कैसे हमने पता लगा ये आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम है, क्योंकि ऊपर दो साइड इक्वल है, ठीक है ना, ओके। तो अब ये क्यू पी आर में, यानी कि पी क्यू आर में हमें तीन एंगल मिल रहे हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, तो हम थ्री लेटर एंगल लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ले लेंगे ये दोनों को ले लेंगे, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल एक बज गया अपना पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख लो यहाँ पर और इक्वल टू 180 डिग्री लिख लो। देखो यहाँ पर तीनों आ गए, एंगल पी भी आ गया, एंगल क्यू भी आ गया और एंगल आर भी आ गया, ठीक है। और ये कैसे आया, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एंगल क्यू पी आर है और क्यू पी आर पी आर क्यू से यहाँ पर क्या है, इक्वल है, देखो इक्वेशन नंबर वन में, तो अब ये हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोनों जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, क्यू पी आर क्यू पी आर लिख दूंगा, तो अब यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल अगेन क्यू पी आर, ओके, प्लस पी क्यू आर कितना है अपने पास में 70 डिग्री, देखो यहाँ पर पहले बिट में अपने मिल चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये पी क्यू पी आर क्यू की जगह पे हम क्यू पी आर लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे से फ्रॉम इक्वेशन वन, आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, सिस्टमेटिक जाएंगे। चलो क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर इज टू एंगल क्यू पी आर, इस तरह से लिख दो, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख दो, ओके। सो देयरफॉर टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखो, प्लस 70 को शिफ्ट करेंगे आप इधर तो माइनस 70 डिग्री हो जाएगा ये, ओके। सो देयरफॉर टू एंगल क्यू पी आर, इनको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो रहा है ये 110 डिग्री, ओके। तो क्यू पी आर को हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा, सो देयरफॉर, ओके, हम इस तरह से लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, और वो जो टू था वो नीचे चले जाएगा, सो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर, ओके, 110 डिवाइडेड बाय टू कितना हो रहा है यहाँ पर 55 डिग्री, तो इस तरह से ये अपना क्यू पी आर आ जाएगा। देखिए अब ये क्यू पी आर एंगल अपने पास में आ गया तो इसका आर क्या बनेगा, यहाँ पर क्यू आर बनेगा, ओके। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू आर, मेजर ऑफ आर क्यू आर, क्योंकि क्यू आर हमें फाइंड करना है। रीजन क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ओके, बहुत सिंपल ही है, तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है। क्यू पी आर कितना मिला हमें 55 डिग्री, ये ऊपर लिखा हुआ है,
1 अपॉन 2 इंटू मेजर ऑफ आर क्यू आर, तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको. ओके 55 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 55 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 इंटू मेजर ऑफ आर क्यू आर, वैसे ही रहेगा ये. ओके सो 55 इंटू 2 कितना हो रहा है 110 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर क्यू आर. तो देखिए मेजर ऑफ आर क्यू आर भी अपना आंसर आ गया. सो देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पर मेजर ऑफ आर क्यू आर ओके इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो ये थर्ड बिट भी आ गया. अब फोर्थ बिट के अपने पास टेक्स्ट बुक में मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू. ओके तो दोस्तों बहुत सिंपल ही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करना है. और यहाँ पर इक्वेशन में देखो मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू और क्यू पी आर दोनों इक्वल है. ओके तो क्यू पी आर 55 डिग्री हमें मिल गया, तो जाहिर सी बात है जो पी आर क्यू है वो भी 55 डिग्री रहेगा. तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर. ओके ये हमें कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से, आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, तो क्यू पी आर हमें ऑलरेडी 55 डिग्री मिल गया, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू भी कितना रहेगा अपना 55 डिग्री रहेगा. ओके तो इस तरह से हम ये फोर्थ बिट को भी इजीली कर लेंगे. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चारों बिट. ओके तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे. ओके तो चलिए ये भी ले लेते हम क्वेश्चन. ये एम आर पी एन इज साइक्लिक. ओके एंगल आर इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री, बहुत सिंपल है दोस्तों ये भी. एंगल एन 4x प्लस 4 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर एंड एन एंगल एन. तो हम इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसी के अंदर हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ओके तो ये क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने के बाद में हम इसकी वैल्यू को भी पुट कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर. एम आर पी एन आप कैसा भी लिख सकते हैं इधर, एम आर पी एन. ओके एम पी के साथ में अपोजिट है, आर एन के साथ में अपोजिट है यहाँ पर. ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी. सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एम आर पी एन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम आर पी एन इज साइक्लिक, यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. ओके एंगल आर अपने पास में दिया हुआ है 5x माइनस 13. ओके एंगल एन भी अपने पास में क्वेश्चन में है, क्या है वो 4x प्लस 4 डिग्री. आपको एंगल आर फाइंड करना है और एंगल एन फाइंड करना है. ओके तो कितना सिंपल है दोस्तों, देखो ये एंगल आर और ये एंगल एन यहाँ पर क्या है, दोनों ये अपोजिट है. ओके सो बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आप ऐसे लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके और यहाँ पर रीजन में लिख लेंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ठीक है दोस्तों तो बहुत सिंपल है ये, एंगल आर की वैल्यू पुट कर लो आप 5x माइनस 13 प्लस एंगल एन की वैल्यू क्या है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, आप x x को कंबाइन कर लेंगे और 13 और 4 को आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे. सो 5x प्लस 4x माइनस 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ये. ओके चलो अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5x प्लस 4x इज हाउ मच 9x और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 13 माइनस 4 इज 9, चेक द बिगर वैल्यू साइन, तो 9 है यहाँ पर, तो माइनस 9 लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर आप 9x को लिखो डायरेक्ट इक्वल टू पे जाएंगे आप 180 डिग्री लिखेंगे, माइनस 9 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगगा. सो 9x इज इक्वल टू 189 ये हो रहा है, x को बाहर ले लो आप, सो x इज इक्वल टू 189 अपॉन 9. ओके तो क्या आ रहा अपना आंसर यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आ रही, सो x इज इक्वल टू 9 2 18, 9 1 9, तो यहाँ पर ये 21 आ रहा है. देखो x की वैल्यू आ गई 21. अब अपने को एंगल आर और एंगल एन की वैल्यू लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल आर को पहले नीचे उतारेंगे हम लोग, और एंगल आर की वैल्यू क्या है 5x माइनस 13, तो जहाँ पर x है हम वहाँ पर 2 को पुट कर लेंगे, तो इस तरह से 5 × 21 माइनस 13, सो 5 1 5, 5 2 10, ओके 105 माइनस 13. ओके चलो हम लोग इसको सिंपली रफ वर्क कर लेते हैं.
5 माइनस 3 इज 2, सो 10 माइनस 1 इज 9, सो अपना ये पहला आंसर आ गया 92 डिग्री, ओके एंगल आर का। अब एंगल एन कैसे आएगा, सो एंगल एन इज इक्वल टू, एंगल एन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 4, ओके सो यहाँ पर x की वैल्यू को भी पुट कर लेंगे फिर से, x की वैल्यू अपने पास 21 थी और प्लस 4 लिखेंगे, सो हियर 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और ये प्लस 4, सो 84 प्लस 4 इज 88 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों, अगर समझ में आया तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और देखते रहना जोया मैथ्स एकेडमी, इसी तरह से हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी।